से मैं बिरबल कड़वा। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कलेजरा पंचायत समिति बागीदोरा के नवनिर्वाचित सरपंच नरेश जी डामोर, जिनसे खास मुलाकात करते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि आगे उनके क्या मुद्दे रहेंगे। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सरपंच साहब ये बताइए कि आप कितने वोटों से जीते? 788 वोटों से मेरी लीड रही। 788 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है सरपंच साहब, तो अब आगे आपके क्या एजेंडे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे ऐसे रहेंगे कि पंचायत में जो भी सरकारी योजना आती है, काम आता है जी, तो घर हम व्यक्तिगत घर भी पहुंचा सकते हैं, आम जनता का सेवा करेंगे जी। तो सर मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार कलेजरा के अंदर युवाओं, सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को कमान सौंपिए, ज़्यादातर जाएँ जिन जिन पंचायतों में हम गए हैं वहाँ देखा है कि सब जगह ज़्यादातर युवा सरपंच आ रहे हैं, तो युवा होने के नाते आपके युवाओं के लिए क्या प्रयास रहेगा? युवाओं के लिए ऐसा प्रयास रहेगा कि उनको रोजगार दिलवाना और कई खेल के प्रति कुछ हो तो वो उनका समाधान करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी सोच है कि युवाओं को खेलों के प्रति अग्रसर करेंगे, रोजगार दिलवाना इनकी प्राथमिकता रही। इसी के साथ ग्राम पंचायत कलेजरा के नवनिर्वाचित सरपंच नरेश जी डामोर ने आरपीडी न्यूज की टीम को बताया कि ग्राम पंचायत का चहुमुखी विकास करवाना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। पंचायत में जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करवाना व ग्रामवासियों को नशा मुक्त करवाना भी मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। प्रत्येक गांव को सीसी सड़कों से जोड़ना, ग्रामवासियों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा के स्तर को सुधारना भी मेरा मुख्य कर्तव्य है। बांसवाड़ा जिले से बिरबल कड़वा के साथ कैमरामैन KR नाइक की रिपोर्ट।